हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी बाजार में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रो कबड्डी लीग 7 सीजन के 64th मैच के प्रीव्यू के बारे में। यह मैच खेला जाएगा बंगाल वॉरियर्स और तमिल तलाइवाज के बीच। यह मैच जो रहेगा आज दिन का एक ही मैच रहेगा। फ्रेंड्स, यह मैच खेला जाएगा त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैदान में, जो कि दिल्ली में यह मैदान है। इस वीडियो में हम बताएंगे दोनों टीमों की टीम परफॉर्मेंस, हेड टू हेड रिकॉर्ड एनालिसिस, फॉर्म एनालिसिस, स्टार्टिंग सेवन की प्रिडिक्शन, साथ ही सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बताएंगे। प्लेयर्स के रिकॉर्ड एनालिसिस करेंगे ताकि प्लेयर्स चुनने में आपको आसानी हो। टॉपिक्स बताएंगे स्मॉल लीग की, ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन सजेशन और ड्रीम इलेवन के कम्बिनेशन के प्रीव्यू रहेंगे। उन सभी से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप फैंटेसी बाजार चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि अगली वीडियो जब भी डालो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप कोई ना कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर गेन करेंगे। अगर आप मिस कर देते हैं तो आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे टीम परफॉर्मेंस की। दोनों टीमों ने 10-10 मैच अभी तक खेले गए हैं। बंगाल वॉरियर्स ने 5 जीते हैं, 3 हारे हैं, 2 उनके टाइड रहे हैं। वहीं तमिल तलाइवाज ने 3 मैच जीते हैं, 5 हारे हैं, उनके 2 मैच टाइड रहे हैं। बंगाल वॉरियर्स 34 पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल में 4th पोजीशन पे है। तमिल तलाइवाज 25 पॉइंट्स के साथ 8th पोजीशन पे है। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो फ्रेंड्स, दोनों टीमों के बीच 6 मैचेज हुए हैं, उसमें बंगाल वॉरियर्स ने 5 जीते हैं, तमिल तलाइवाज ने केवल 1 जीता है। और वहीं अगर रिसेंट फॉर्म देखो तो तमिल बंगाल वॉरियर्स ने अपने 5 मैचेज में से 2 जीते हैं, दोनों ने टाइड किए हैं और 1 लास्ट मैच आ रहे हैं। वहीं तमिल तलाइवाज की बात करें तो अपने 3 मैचेज लास्ट के 5 मैच आ रही है, केवल 1 जीता, 1 टाइड किया है, यानी कि वो पूर फॉर्म में है। अब बात करें तो कंपैरिजन एनालिसिस की, उसमें देखेंगे रेड पॉइंट्स के टैकल पॉइंट्स से सक्सेसफुल रेड परसेंट और सक्सेसफुल टैकल परसेंटेज। तो बंगाल वॉरियर्स ने 10 मैच जो खेले हैं उसमें 197 रेड पॉइंट हासिल किए हैं, 41% उनका सक्सेसफुल रेड्स का परसेंटेज है। तमिल तलाइवाज ने 10 मैच खेल के 152 रेड पॉइंट हासिल किए हैं और 30% उनकी सक्सेसफुल रेड रही हैं। टैकल पॉइंट्स में देखें तो बंगाल वॉरियर ने 94 टैकल पॉइंट हासिल किया है, 40% उनके सक्सेसफुल टैकल्स, और 97 तमिल तलाइवाज ने टैकल पॉइंट हासिल किए हैं, 48 उनके सक्सेसफुल टैकल्स हैं। इस हिसाब से आप देखें तो बंगाल का दो रेडिंग यूनिट है, तमिल तलाइवाज के रेडिंग यूनिट काफी स्ट्रांग है। अगर हेड टू हेड एनकाउंटर देखो तो पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच फ्रेंड्स 3 मैचेज हुए, तीनों में बंगाल वॉरियर्स ने तमिल तलाइवाज को हराया। जो मैच उनमें हराए उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं ताकि आपको प्लेयर्स चुनने में आसानी हो। मनिंद्र ने 7 पॉइंट लिए, बलदेव ने 2, विजिन ने 1, सब्स्टिट्यूट्स रहते हुए सुरजीत ने 1, रन सिंह ने 4 लिए थे, और जो कि अब तमिल तलाइवाज के साथ हैं, अजय ठाकुर ने 5 और पी सुब्रमण्यम ने 2 लिए थे। उससे पहले जो मैच हुआ था उसमें मनिंद्र ने 7, बलदेव ने 2, सुरजीत ने 6, रन सिंह ने 3, अजय ठाकुर ने 5 लिए थे। सुरजीत अब बंगाल वॉरियर्स का हिस्सा नहीं, आप तो इसको इग्नोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले जो मैच हुआ उसमें मनिंदर ने 9 पॉइंट, सुरजीत ने 2, राकेश अग्रवाल ने सब्स्टिट्यूट रहते 3, विजिन ने 1 सब्स्टिट्यूट्स में, रन सिंह ने 4 जो अब तमिल तलाइवाज का हिस्सा है, अजय ठाकुर ने 6 और मनजीत ने 5 पॉइंट लिए थे। तो आप ये परफॉर्मेंस देख लेते हैं, वैसे भी मनिंदर का नाम है, अजय ठाकुर का नाम है, बलदेव है, विजिन है, एक रहेंगे साथ ही रन सिंह है बंगाल की तरफ से जब खेल रहे थे, अब ये तमिल तलाइवाज में है। अगर स्टार्टिंग सेवन की प्रेडिक्शन की बात करूँ तो बंगाल वॉरियर्स में जो पॉसिबल चेंज हो सकता है फ्रेंड्स, उसमें विराज आ गए थे किंतु अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, अब टॉस से बाद में पता चलेगा विजन खेलेंगे या विराज खेलेंगे। स्टार्टिंग सेवन की प्रेडिक्शन करो तो मेरी प्रेडिक्शन ये है फ्रेंड्स, लेफ्ट कॉर्नर में रहेंगे इनके रिंकू नरवाल, लेफ्ट इन में नबी बख्श, लेफ्ट कवर रहेंगे जीवा कुमार, सेंटर में है मनिंदर सिंह, राइट कवर है इनके विराज, राइट इन में रहेंगे प्रपंजन, राइट कॉर्नर है बलदेव सिंह। अगर परफॉर्मेंस देखो इस सीजन में सबसे अच्छी रही है मनिंदर की, उसके बाद आप देखेंगे प्रपंजन ने भी काफी अच्छा किया है, नबी बख्श ने अच्छा किया, रिंकू नरवाल है, बलदेव ने भी अच्छा किया है, जीवा कुमार ने भी कुल मिला के अच्छा किया है। जो इनके राइट कवर है वो अच्छा नहीं कर पाए, चाहे विजिन हो चाहे विराज हो। सब्स्टिट्यूट्स में रहेंगे इनके सुकेश, मोहम्मद त्याग, आदर्श, रविंद्र, रमेश कुमावत और आमिर। साथ ही अगर इनके राइडर्स की स्किल्स की बात करते हैं, मनिंदर ने जो कि राइट रेडर है, स्पीड है इनके पास, बोनस अच्छा करते हैं, स्केप अच्छा है, प्रपंचन है, लेफ्ट रेडर हैं, स्पीड है, रनिंग एंड टच है, बोनस है, स्केप और डुबकी भी लगाते हैं।
साथ ही इनके एक और ऑलराउंडर है मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श, काफी अच्छे ऑलराउंडर, राइट रेडिंग ये करते हैं, स्पीड रनिंग है, टच बोनस एस्केप, साथ ही डिफेंस में भी पॉइंट रहते हैं। अब बात करते हैं तमिल तलाइवाज के स्टार्टिंग सेवन से। फ्रेंड्स से पॉसिबल चेंजेस की बात करें तो पिछले मैच में पी सुब्रमण्यम खेले थे, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी और अजीत उससे पहले खेल रहे थे, उनको सब्सिट्यूट किया तो हो सकता है आज के मैच में अजीत आपको खेलते हुए दिखे। साथ ही अगर मनजीत सेलर फिट हैं तो फ्रेंड्स विनीत शर्मा के जगह वो स्टार्टिंग सेवन में आ सकते हैं। बात करें तो स्टार्टिंग सेवन के इनके लेफ्ट कॉर्नर में रहेंगे रन सिंह, लेफ्ट इन में वी अजीत कुमार, लेफ्ट कवर रहेंगे विनीत, सेंटर में अजय ठाकुर, राइट कवर रहेंगे पी सुब्रमण्यम, राइट इन में राहुल चौधरी, राइट कवर रहेंगे मोहित शिलर। अच्छी परफॉर्मेंस करी है फ्रेंड्स राहुल चौधरी ने, कुल मिला के मनजीत शिलर ने काफ़ी अच्छी करी है मोहित शिलर ने फ्रेंड्स से, उसके बाद विजीत है, रन सिंह का नंबर है। अजय ठाकुर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करा पाए हैं, एक मैच में विनीत ने अच्छी परफॉर्मेंस करी है और इनके जो राइट कर रहे हैं वो भी इनके लिए काफ़ी एडक साबित हो रहे हैं। शबीर बाबू जो इनिशियल खेल रहे थे अब सब्स्टिट्यूट्स में हैं और अजीत हैं और मनजीत हैं। साथ ही इनके रेडर्स की स्किल्स की बात करें तो अजय ठाकुर राइट रेडर हैं फ्रेंड, स्पीड रनिंग है, टच डू और डाई के अच्छे स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, इनके पास फ्रॉक जंप का अच्छा एक्सपीरियंस है। राहुल चौधरी जो कि बहुत साइड रेडर है, रनिंग एंड टच एस्केप अच्छा है। सबीर बाबू लेफ्ट रेडर है, रनिंग एंड टच है, बोनस अच्छा करते हैं, एस्केप है, स्पीड इनके अच्छे पास नहीं है। वीरजीत के पास स्पीड है, रनिंग एंड टच है, बोनस अच्छा करते हैं जो कि लेफ्ट रेडर हैं। इनके बाकी डिफेंस के मैं दिखा दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन शॉट ले लें। अब बात करते हैं प्लेयर्स के रिकॉर्ड एनालिसिस की। उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट करेंगे फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, साथ ही आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स से। उम्मीद करूंगा कि आपने वीडियो को जरूर लाइक किया होगा। साथ ही अगर बात करें तो इनके रेडर्स में परफॉर्मेंस की तो मनिंदर ने 10 मैच जो खेले 83 रेड पॉइंट हासिल किए, 4 सुपर 10, 56% उनकी सक्सेसफुल रेड। प्रपंच ने 10 मैच खेल के 64 रेड पॉइंट हासिल किए हैं, 2 सुपर 10 लगाए हैं और 50% इनकी वो परसेंटेज रहे सक्सेसफुल्स की। मोहम्मद नबी बख्श ने 10 मैचेज में 43 रेड पॉइंट, 1 सुपर 10, 42% इनकी सक्सेसफुल रेड्स। आप देख सकते हैं राहुल चौधरी ने 10 मैच में 64 रेड पॉइंट हासिल किए हैं, 2 सुपर 10 लगाए हैं और 42% उनकी सक्सेसफुल रेड है। उसके बाद अजय ठाकुर 10 मैच 43, कोई सुपर 10 नहीं लगाए अभी तक, केवल 33% इनकी सक्सेसफुल रेड रही है। वीरजीत जो इनके थर्ड रेडर हैं 8 मैचेज में 23 रेड पॉइंट हासिल किए हैं, 48% इनकी सक्सेसफुल रेड रही हैं। बाकी सभी ने 9 मैचेज में 14 पॉइंट, अभिनीत ने 5 मैच में 4 रेड पॉइंट हासिल किए हैं। मनिंदर के एवरेज पॉइंट से देखे जाए तो सबसे ज्यादा रहा 8.3 का, उसके बाद है राहुल चौधरी 6.4, प्रपंचन 6.4, मोहम्मद नबी बख्श 4.3 और अजय ठाकुर 4.3। डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में बलदेव हैं 10 मैचेज में 26 टैकल पॉइंट्स, 3 हाई फाइव, 48% सक्सेसफुल टैकल्स। रिंकनर वाले भी 10 मैचेज में 26 टैकल पॉइंट्स, 2 हाई फाइव, 46 उनकी सक्सेसफुल टैकल्स रहे हैं। जीवा कुमार ने 9 मैचेज में 21 टैकल पॉइंट्स, विराज ने 7 में 6 और नबी बख्श जो कि ऑलराउंडर है 10 मैचेज में 11 टैकल पॉइंट्स और 2 सुपर टैकल्स लिए हैं। मंजीत सिलर दो अभी खेल रही है इंजरी के कारण, 7 मैचेज में 26 टैकल पॉइंट्स लिए थे, 2 हाई फाइव लगा चुके थे, 60% इनकी सक्सेसफुल टैकल्स रही थी। मोहित चिल्लर 10 मैचेज में 27 टैकल पॉइंट्स, 1 हाई फाइव, 58% इनके सक्सेसफुल टैकल्स हैं। रन सिंह जो इनके सेकंड रेडर अच्छे हैं 10 मैचेज में 20 टैकल पॉइंट्स, अजीत ने 9 मैचेज में 10 और विनीत शर्मा ने 5 मैचेज में 5 टैकल पॉइंट्स। बात करें तो सबसे अच्छे टैकल पॉइंट्स एवरेज निकाले तो बलदेव का अच्छा रहता है फ्रेंड्स 2.3 का, रिंकू का 2.6 का, मनजीत अगर आ जाते हैं उनका 3.4 है, मोहित सिल्लर 2.6 है, जो कुमार 2.2 है, बाकी रन सिंह 2 है और अजीत 1 लेते हैं पर मैच। तो ये बता दिया, बात कर लेते हैं फैंटेसी टीम्स के प्रोडिक्शंस प्लेयर्स के। जो टॉप पिक्स रहेंगे आपके लिए मस्ट पिक करेंगे वो है मनिंदर सिंह, मोहम्मद नबी बख्श, रिंकू नरवाल, राहुल चौधरी, मोहित चिल्लर, रन सिंह, अगर मनजीत चिल्लर आ जाते हैं तो वो भी रहेंगे। साथ ही ड्रीम इलेवन पे कितने परसेंटेज लोगों ने लिया ये भी दिखा दिया ताकि फ्रेंड्स हो आपको और आसानी हो। साथ ही कैप्टन वाइस कैप्टन सजेशन की बात करते हो सुमार लीग में मनिंदर राव चौधरी को ट्राई करें, मनिंदर और नबी बख्श को भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक्स फैक्टर्स जो प्लेयर्स रहेंगे आपके ग्रैंड लीग के लिए स्पेशली प्रपंचन है, बलदेव हैं और विजी ने अगर खेलते हैं, जीवा कुमार है, विराज हैं, अजीत अजय ठाकुर हैं, वी अजीत हैं, अजीत विनीत शर्मा और शबीर बाबू, इन सभी के परसेंटेज भी मैंने आपको दिखा दिए हैं फ्रेंड्स। ग्रैंड लीग के जो कैप्टन वाइस कैप्टन
सजेशन है फ्रेंड, वो है प्रपंचन राव चौधरी, प्रपंचन और अजय ठाकुर का भी आप ट्राई कर सकते हैं। फैंटेसी बाजार पे हम फ्रेंड्स आपको डेमो टीम प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री अपने टीम पर एडिट करने के लिए। मैंने आपको इतना डीपली एनालिसिस आपको प्रीव्यू बता दिया, साथ ही ड्रीम इलेवन के कॉम्बिनेशन के प्रीव्यू भी दिखाऊंगा ताकि आपको और आसानी हो जाए। बाकी अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इन सभी के लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी चलते हैं ड्रीम इलेवन पे, वहां मैं आपको 6 कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। जो फर्स्ट 2 कॉम्बिनेशन है वो स्मैल लिख के लिए हैं और बाकी 4 कॉम्बिनेशन ग्रैंड लिख के टीम के कॉम्बिनेशन है, आप चेक कर सकते हैं। जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स वो सोमालिक का, ये कॉम्बिनेशन मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है मनिंदर को और इस्माइल नबी बख्श को, प्रपंचन को ट्राई किया है, रिंकू नरवाल है, मोहित छिल्लर है, रन सिंह है और भी अजीत हैं। ये मैंने बैलेंस टीम बनाने की कोशिश करी है फ्रेंड्स। साथ ही अगर इसमें ट्राई करना चाहे प्रपंचन को आप ट्राई कर सकते हैं, साथ ही रिंकू नरवाल का कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड जो टीम बनाई है फ्रेंड्स, इस टीम में मैंने ट्राई किया है राहुल चौधरी को लिया फ्रेंड्स, प्रपंचन को ड्रॉप कर दिया है, मनिंदर को फिर से कैप्टन वाइस कैप्टन राहुल चौधरी, रन सिंह है, मोहित चिल्लर है, बलदेव को ट्राई किया है, विराज को ट्राई किया है और नबी बख्श तो है फ्रेंड्स। इस टीम में आप ट्राई करना चाहे तो आप नबी बख्श को भी ट्राई कर सकते हैं, बलदेव को ट्राई कर सकते हैं, ये आपके कॉम्बिनेशन हो गए। और थर्ड जो टीम बनाई है फ्रेंड्स, मैंने बंगाल को फेवरेट मानते हुए ये टीम आपको स्मैल लिख या ग्राइंडलिंग दोनों में ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। इस टीम में मैंने ट्राई किया है प्रपंचन को वाइस कैप्टन बनाया, मनिंदर हैं, नबी बख्श हैं, बलदेव हैं, रिंकू नरवाल हैं, टॉप प्रोवाइडर ले लिया मैंने दोनों टीमों के फ्रेंड्स और टॉप प्लेयर ले लिए जो कि अभी कर रहे हैं फैंटेसी में वो ले लिया, और साथ ही भी अजीत भी अच्छा कर रहे हैं तमिल तलाईवास की तरफ से। साथ ही फोर्थ टीम जो है फ्रेंड्स, इस टीम में मैंने फेवरेट मानते हुए ट्राई किया है तमिल तलाईवास को, अजय ठाकुर को ट्राई किया, ग्रैंड लीग की टीम बनाई है, अभी अजीत है, रन सिंह है, मोहित चिल्लर है, बलदेव नबी बख्श को, प्रपंचन को ट्राई किया, अजय ठाकुर को ट्राई किया। आप चाहें तो फ्रेंड्स इस टीम में प्रपंचन या नबी बख्श को ड्रॉप करके राव चौधरी को भी ट्राई कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फिफ्थ जो टीम बनाई है फ्रेंड्स, इस टीम में मैंने ट्राई किया है प्रपंचन को, मनिंदर को, रन सिंह को, पी सुब्रमण्यम को ट्राई किया अगर खेलते हैं तो, नहीं तो आप इनकी जगह भी अजीत को ले लें, रिंकू नरवाल हैं, विराज हैं, राव चौधरी को वाइस कैप्टन बनाया, अगर चाहें तो आप इसको ग्रैंड लीग के और ज्यादा फेवरेट बनाए रिस्क में प्रपंचन को ड्रॉप करके राव चौधरी को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। लास्ट जो टीम बनाई है फ्रेंड्स, इस टीम में मैंने ट्राई किया तीनों जो टॉप डिफेंडर हैं दोनों टीमों से वो ले लिए हैं, टॉप रेडर को ले लिया है, वाइस कैप्टन बनाया राव चौधरी को, दोनों टीमों से टॉप रेडर ले रहे हैं, रन सिंह को ट्राई किया, अभी अजीत को ट्राई किया है, नबी बख्श यहाँ पे ले नहीं पाए फ्रंट क्रेडिट इश्यू था, तो ये ग्रैंड लीग की टीम बनाने की कोशिश करी गई है। उम्मीद करूंगा कि फ्रेंड्स ये एनालिसिस देखने के बाद आप आसानी से टीम बना पाएंगे, होपफुली अपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।